कौन तपस्या की तीन लोक तारण तिरणे सो तेरे आधीन उमर चार भुजा गढ़बू मारा सांवरिया सिरी मोर मारा बंद दरवाजा खोल मारा चार भुजा गढ़बोल मारा बंद दरवाजा खोल माखन चोर मिश्री चोर माखन चोर मिश्री चोर गलियन गलियन चोर माखन चोर मिश्री चोर गलियन गलियन चोर चार भुजारा गढ़बोल मार बंद दरवाजा खोल मार चार भुजा गढ़बोल मार बंद दरवाजा खोल कलयुग में तीरथ तू मोटो कलयुग में तीरथ तू मोटो मारा चार भुजा धनी तू मोटो मारा तार भुजा धनी तू मोटो कोई नहीं है मारो बाबा इन दुनिया रे माय धूप चढ़ी नैया पार लगा चार भुजा रा नाथ मारा चार भुजा गढ़बोल मारा बंद दरवाजा खोल मारा चार भुजा गढ़बोल मारा बंद दरवाजा मासूं इकर मुकड़े बोल मार चार भुजा गढ़बोल मार बंद दरवाजा खोल मार चार भुजा गढ़बोल मार बंद दरवाजा खोल दुखियारा दुखियारा दुखियारा
गुजारा नात माथू एकर बुकड़े बोल सभी राजगुरु परिवार ने हाथ जोड़कर गणी खमा जड़ी कड़ी मेरी जानकारी बदन बदन पुस्तक कर रहे हो कोई गलती त्रुटि आप लोग क्षमा करो धन्यवाद। मंचासी सभी कलाकार सदस्य हूँ वृंदावन सोमनी नहीं क्या और नंदीगांव सोगांव राधा सिरानी नहीं बिरह कृष्ण नाम सोना सरिवर पानी सरोवर पानी में गई
और ढाबो बोलो कागी के मरी मटकी फूटी सी और नहीं मिलने से अरे थोड़ू तो पोछू नहीं है सारी हमें चट्टी चट्टी पड़गी रे नाते उबारी जो I'm
मत जने तो चार जने मत जने जे चालीस बेचारूरन में जूंजना थारा बेचारू चालीस मत जने ऐसा जने जैसे महाराणा प्रताप अकबर सूतो ओज के जान सिराने साफ माता कड़ा बेटा जने माता जने ऐसा जने जैसे महाराणा प्रताप आज भारत में नाम अमर नाम है अकबर सूतो ओज के जान सिराने साफ मात जने ऐसा जने जैसे दुर्गा दास मार मंडा सो मानियो बिन थंबे आ चलाई हो थी कृपा तुम्हारी अरे जगतम
जड़ी मानो की अरे बिजली जू चमके काशी तेज रहा बिजली Thank you.
थिकी बोलो चामुंडावा थिकी बहुत बहुत धन्यवाद गणेश खमा आपने समान जय हो माइक्रोफोन श्रीमान आदरणीय वंदनीय सदान सिंह जी राठौर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आइए अब राजू सिंह से मारा सतगुरु बढ़िया दे दिया क्या बात है आपकी वाणी में वो जज्बा है वो कशिश है और वो कशिश बहुत ही बेहतरीन भाई मेहरुद्दीन जी ने अपने हृदय के उद्गार उमेश सिंह जी ठाकुर साहब यहाँ पर विराजमान है और वो चारों वीरों को के भाई आने वाले समय में आप भी महाराणा प्रताप है अमर सिंह है तो इन तरह आपने प्रस्तुति दी। अब आपके बीच में भाई राजू जी सीहोर दो भजन उसके बाद में कंचन वैष्णव भाई भवर जी राव लक्ष्मण जी उदयराज जी लक्ष्मण जी और स्वरूप जी हमारे बीच में पधारे हैं धन्यवाद। हेलो 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 जी हाँ एक से बढ़कर एक कलाकार सभी प्रस्तुति देंगे एक छोटा सा भजन की प्रस्तुति क्योंकि हमारे गुरुदेव का आदेश है और इनका आदेश सिर आंखों पर तो लीजिए छोटा सा एक भजन बड़े प्रेम के साथ बोलो चार भुजानाथ की बोलो खेतेश्वर महाराज की बोलो धर्म धाम की जय हो हो राजस्थान की मारवाड़ी इन्हें धरती माता एलेला संत रिया एलेला सूरमा रिया जो आप विनो जो आज इन मंच के द्वारा हर कलाकार हर भजनी हर संत महात्मा ने मुख सु वाणी रे माध्यम सु इनारा गुणगान किया करे छे टिकटलिया आज देर का दिल के से जाय जयपुर फुलेरा बीच में उठ टीटी दियो टिकट लिया अजमेर का तो दिल्ली के से जाए अरे जयपुर फुलेरा बीच में टीटी दियो उतार और केमन ला गया ए मारो खर्चो मालिक पूरे हो मैं चाहता हूँ मीठी मीठी ताली के साथ में क्योंकि गला साथ नहीं देवे लेकिन आपकी शक्ति आपकी भक्ति और चार पूजा नाथ का आशीर्वाद और हमारे गुरुदेव जी का आशीर्वाद साथ देंगे बिल्कुल हाँ खेताराम जी महाराज का बिल्कुल बाप जी क्यों लगा खेताराम जी कि तुमने रेल में उतार दियो लेकिन मारो टिकट भैया देवनाला पूंजी देवनाला कौन है चार पूजा के प्रकार बोलो खेतेश्वर धाम की ए मारो खरसो मालिक पूरे वो मारो खरसो ईश्वर पूरे मैं तो उनके नाम पर लेता बाबू जी मेरा टिकट क्यों लेता मेरा टिकट क्यों लेता मारो खर्चो ईश्वर पूरे मैं तो उड़ने नाम पर लेता
खीर गुणारा बाबा भनाया ने मन तो त्या ए आ खीर गुणारा बाबा भनाया ने मन तो त्या आवागमन में रहता आवागमन में रहता ए आ ए माया की अब बहुत बाटरी माया की अब बादे बाटरी कच कुटी पास नहीं रखना बाबू जी मेरा टिकट क्यों लेता मेरा टिकट क्यों लेता ए आ मेरा टिकट क्यों लेता ये सब हमारे देखे हैं आपने बताया कि परशुराम माध्यम में हमारे बलिदिन जी भाई साहब फर्स्ट आए लेकिन हमारे शैतान सिंह जी के गला में आवाज में वह कशिश है जो को लाख नहीं करोड़ों नहीं बोलिया जिनके बलि देवनी है या नहीं है लेकिन आपने जीवा के माने की शक्ति है जो को करोड़ों ने बोलिया बेंगलोर मद्रास पुणे हांडिया खोखरा दादिया पगड़ी कटी फलेर देखो कोई मंदिर देखो तो आपने हाथों बोलिया लागुड़ी साहब और एरा ने चरणों ने माने में कोटी कोटी वंदन कर इन्हें आशीर्वाद दे इन्हें मैं चाहता हूँ जोरदार आशीर्वाद दीजिए ताली बजा कर बोलो खेतेश्वर साहब की तो कंटिन्यू मन रखे कम से कम तो एक महीनो तीस दिन कंटिन्यू गाता है वो गलो ऐसा डॉक्टर के थोड़ी सोचना आई है गला रमाई गाय गाना रेस्ट कर दो लेकिन गुरुदेव रो आशीर्वाद है जिन पर हेस हाथ गुरु रो पचे दुनिया क्या कर सी जिन खेतराम जी महाराज रो आशीर्वाद है तो इन घबराने कोई बात नहीं है खेतराम जी महाराज के बाबूजी मेरा टिकट क्यों
मारो खर्चो मालिक पूरे में उनके नाम पर रहता बाबूजी मेरा टिकट क्यों और केरे ए राता पीड़ा सिंगल पराने सोमक तारीख दया ए सोमक तारीख दया ए आ अरे राता पीड़ा सिंगल पराने सोमक तारीख दया ए सोमक तारीख दया ए आ अरे अला उड़ते रालिया सहारा ऐसी रेल चलाता बाबू जी मेरा टिकट क्यों लेता ए मेरा टिकट क्यों लेता हाय हाय मेरा टिकट क्यों लेता ए आ जटे भगवान विष्णु रेवे जटे चार भुजा रेवे जटे ब्रह्मा जी रेवे नी बूटे अंदंडा भंडार भरिया रेवे तो भगवान अरदास करे आप सभी मिले केवे ईशावरिया सेठ दे दे राधा रा रसिया दे दे ये थारे भरियो भंडार टोटो ना फले केवे ईशावरिया सेठ दे दे राधा रा रसिया दे दे थारे भरियो भंडार टोटो ना फले हमारा चार गुजारा दे दे सावरिया सेठ दे दे हमारा चार गुजारा दे दे थारे फलियो बंदार टोटो ना पड़े रे चार गुजारा दे दे सावरिया सेठ दे दे ए जी थारे फलिया भंडार टोटो ना पड़े थोड़े
अरे मथुरा जाया ने गोकुल उपजावे के नंद जी ने लावे धने लावे यशोदा लाला लावे रे पर चार पुजारा देवे ए थारे फलिया पतारे तो ना पड़े बारे तो चिकने काटा आलवी रे कनुड़ा ए आप जी मोरे तो किस भोगले कनुड़ा लाल दे रे मदारा रसिया दे रे आचार पुजारा दे रे ए धारे फलियों बदारे बोलो चार भुजारा ते की जय हो। हेलो हेलो बोलो चार भुजाना आती की बोलो मीरा की शाम की कृषि नाथ है बलिया हरी सारी दी पूनम हरी रे था बिन घड़ियल आविड़े ओ सबरा बिन खाला हो जी फूटी गागिर ली
ओ कना फूटे गगली ओ फूटे गगली ओ कान जी फूटे गगली ए काना का करिया ए हरे हरे का करिया ए धन धन का करिया रे मन मारो रे मारी फूटे
कन्हैयालाल की। बहुत ही सुमधुर ये थी सोजत है तो मारवाड़ जंक्शन दिया था। बचपन में इनके पिता का साया उठ गया और धीरे 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 संगीत के सफर में एक मारवाड़ सोजत पूरे भारत में जिनका नाम है। आइए मैं सर्वप्रथम ओम टेंट हाउस पूरे समाज की ओर से एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें साहब। बड़े ही तली भक्ति के साथ में अपनापन है ही है उनके साथ में बड़े ही समर्पित। मैं सबसे छोटा हूँ, मैं तीनों भाइयों को प्रणाम करता हूँ कि बहुत ही सुंदर टेंट की व्यवस्था आज इस जीर्णोद्वार चार भुजा की भव्य प्राण प्रतिष्ठा में मरुधर फिल्म्स के माध्यम से पूरे भारत में नाम होगा है। पूरे राजगुरु परिवार की ओर से अब मैं स्वागत की रस्म को केवल 5 मिनट और जिस तरह से आप शांति के साथ बैठे हैं मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत ऋणी हूँ। मैं सर्वप्रथम भजन संध्या के हमारे आज के सभी किन को कम कहूँ कि किन की तारीफ ज्यादा करूँ किन की कम करूँ ये मेरे शब्द है ही नहीं। फितरत बन चुकी है दिल्ले बेकरार की, हमें तो आदर्शी हो गई, हमें राजपूत परिवार की आदर्शी हो गई कि हमारे सेलिब्रिटी कलाकारों का मेन फ्रंट पर जो स्वागत करने की रस्म को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम एक पूरे राजस्थान में पूरे भारत में अभी अभी एक न्यायिक मजिस्ट्रेट साहिबान के रूप में नियुक्ति हुई है, उनके दादा हमारे प्रेम सिंह जी भाई साहब के मामिया ससुरो जी भी है और हर फंक्शन में एक परिवार की तरह कदम से कदम साथ में चलने का ऐसा संकल्प लिया है कि आपकी जो प्रेम संपत्ति को देखकर मैं अपने आप खुश हो जाता हूँ। ऐसे अमर सिंह जी साहब से निवेदन कि आप वो मजिस्ट्रेट साहब आज नहीं आए कारण कि वो पोस्टिंग हो चुकी है और अपने शेड्यूल से बहुत बिजी है। एक बार ताली बजाकर स्वागत करें श्री अमर सिंह जी साहब से निवेदन कि आप मंच पर पधारें। और मेरे बड़े भाई साहब दोनों पिता का तो साया इस दुनिया में नहीं रहा लेकिन मैं पिता का रूप में कान सिंह में देखता हूँ तो कान सिंह जी भाई साहब आइए और उनसे छोटे श्रीमान प्रेम सिंह जी साहब से निवेदन या मेरे तीनों भाइयों में भाई सोन सिंह जी साहब से निवेदन आप मंच पर पधारे और श्री अमर सिंह जी साहब को कौन सिंह जी पहरा वाला माला नहीं सापो और भीम साहब पहरा वाला सैप नहीं सर सर नहीं अरे नहीं ये आपके पोती को जो आपने संस्कार दिए ना साहब ये बदौलत है वो तो आने सके लेकिन उनका नेतृत्व आप कर रहे हैं इसलिए कोई बात नहीं बड़े ही भाई साहब थोड़ी प्रसन्नता का विषय। अरे वाह कौन सा वाह ये बात बहुत बढ़िया। हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत पुराने सेवानिवृत्त फौजी साहब श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी आदर जोग जलावासु निवेदन आप मंच पर पधारो सर। आज हमारे इस आंगन में फूल खिला इस मन में महकती खुशबू से स्वागत है इस प्रांगण में आप मंच पर पधारे। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने लीडर रह चुके हैं और दुश्मनों के आप दुश्मन है यारों के आप यार हैं क्योंकि सेवानिवृत्त फौजी साहब भी है और दुश्मनों के आप दुश्मन है यारों के आप यार हैं चमन में फूलों की डाली जंग में तलवार है। आइए प्रेम सिंह जी भाई साहब से निवेदन आप पधारे। सापा और माल्या अर्पण के लिए मेरे बड़े भाई श्री भीम सिंह जी पधारे पधारो सर पधारो। एक नवयुक्त मंडल राजगुरु चौथी पिंडी नहीं तो पांचवी पिंडी लकुआ जाओ पाड़े
लक्ष्मण जहां कहीं भी हो, हाँ नवयुग मंडल तैयार है, भीम सिंह जहां कहीं भी हो, चलो अगली कड़ी में उनको नाम ले लेंगे। मैं राम सिंह जी ओम टेंट हाउस के बड़े प्राता श्री मंच पर फहरे राम सिंह राम दूसरी कड़ी में ले लो थोड़ा। राजगुरु परिवार सब ऑनलाइन ऑफलाइन में ऑनलाइन रहे। आइए संगीत के थोड़ा थोड़ा बजना। अच्छा लिप्टन टाइगर ताजा चाहे आप कोई देख लो कोई हुकुम सा रेडीमेड सा पानी लाया वे कोई दिन में हो सा पा पेरे माता में एकदम खुर्चिया भी जावे कोई के मारे सब वो रिएक्शन करे वो गरीज बोंदी हो। हां ये बात अब इनमें ऑटो में रस है वो राजगुरु परिवार आठ भाई हो आठ ओटा है समाए एक एक ऑटो हवा लाग रो है। जय हो। अगली कड़ी में ऐसे तो हमारे सभी आदरणीय हैं। अब मैं निवेदन करूं हमारे सीनियर कलाकार बहुर जी राव से निवेदन आप आगे पधारे और सफर वास्ते निवेदन करूं श्रीमान भीम सिंह जी आगे आओ भाई साहब और माला अर्पण रे वास्ते निवेदन करूं कुंदन सिंह आगे आए और स्वागत करें भाई बहुत जी राव एक जन ऊपर कुंदन सिंह क्या बात है दिनेश भवर जी राव जिनकी 1999 से लगाकर 2016 तक कम से कम 150 कैसेट ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड की गई साहब एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। वो कैसी थी वो रिले वो टैप वो रू गाले हेड ने चलाता वे श्रद्धांजलि दीदो ने 6 साल विकासा लेकिन आज भी जो है यूट्यूब माते भवजी राव करते ने आप भजन चले और ऐसे हमारे चावे ठावे। अब मैं निवेदन करूं श्री मेहरुद्दीन जी दिलवासनी साहब आगे आए और आप इनकी मांड भी सुनना साहब मांड बहुत बढ़िया गाते हैं जिसे राठौड़ी कहा जाता है। रण खेती राजपूतरी कबू ने पीठ धरे देश रुखाड़े आपनो औरोरी पीड़ो हरे। उमेश जी बाबा ने एड़ो भजन सुनावणो है ताकि दो बीघा जमीन थोड़े नाम कर दे ने, 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 और उमेश सिंह जी बाबा तो वास्तव में हर साल जागरण रहसा। मने भी एक बार कहे के थे पुरोहित जी को हौसा मो रण बंका हो जागरण करनो ने मैं नाले नहीं दऊला तो थोड़े पहुंचो कपड़ा ने पहुंच जा। एक बार ताली बजाकर स्वागत करें मात्र पाव किलोमीटर पर मुझे इतना आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं नाम लेने जा रहा हूँ हमारे डूंगर सिंह जी साहब आप आगे पधारे और ओम टेंट हाउस की जो आपने गगनचुंबी जंगल में मंगल कर दिया सामने जो पेड़ है देसी बावड़िया का चंदन से कम नहीं वाड़ी शहर लंदन से कम नहीं जगमगाती दीपकों की रोशनी में एक बार तालियां बजाकर संगीत के कड़ियों के साथ कुछ कलाकार हमारे बीच में नहीं रहे आइए जी हाँ और माल्या अर्पण के लिए मैं निवेदन करूं हमारे सोन सिंह जी के सुपुत्र नरेश राजपुरोहित आगे आए और माला फैनाकर हमारे मेहरुद्दीन जी का स्वागत करें। मैं डूंगर सिंह जी भाई और पूरी टीम को ओम टेंट हाउस के जितने भी 25-30-40 जो स्टाफ हैं मात्र 12 घंटे में पूरा ये आशियाना सजा दिया एक बार ताली बजाकर स्वागत करें बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वादे मेहमान आए हैं तुम कल्याणा बिछाना हम तो पल के बिछाने वाले हैं। हमारे नौसर विद्या से श्री दिलीप सिंह जी साहब श्री पन्ने सिंह जी साहब टुकलिया सु जितने भी जो पधारे हैं सभी मेहमानों का स्वागत है। आइए अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा भाई लक्ष्मण जी क्या बात है आपका स्वागत करने के लिए मैं नम्र निवेदन मेरे से बड़े
आठ भाइयों से छठे नंबर जय सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा भाई साहब कि आप आए और इन्हों स्यापा पहनावे और स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं प्रेम सिंह जी के सुपुत्र चक्र सिंह जी आप मंच पर आए और इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। क्या बात जय हो। ओ अरे नगर वाड़ी रे माए फुलड़ा बरसे रे बरसे तो बरसा दे लावो लेवा दे बरसे तो बरसा दे लावो लेवा दे भाई रवि बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कड़ी में भाई राजू जी सियोन पधारे आगे जी सर। अरे नहीं नहीं ये बात यूज माय फैमिली मेंबर यार संगीत फैमिली मेंबर है ना। आई मैं निवेदन करूं सफर वास्ते श्रीमान दिलीप सिंह जी साहब से निवेदन है आप इन्हें साफा पहनाकर दिलीप सिंह जी ए मोरा स्टाफ प्राइस ए कदी दुकान रे शटर नो रहिस कोनी डोंग माते डेरा ने भारत देश मेरा आप सोशल नेटवर्क है आपका और बहुत बड़े माइंडेड है सीए का माइंड है आपके नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ आपको। हाँ सर और माल्या अर्पण वास्ते निवेदन करूँ साफ 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 बिल्कुल। अरे अगली कड़ी में अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा गोविंद सिंह जी आगे पधारे हमारे संगीत के सफर में जिनका बहुत योगदान रहता है आइए पधारे। नहीं अब मैं निवेदन करूं आज हमारे चार भुजा जो नवयुक्त मंडल हृदय के अंतकरण में राजपुर परिवार में बहुत खुशी की लहर है सर। हम चाहते हैं कि हर साल आपका 21 का रहता कार्यक्रम है ना सर 2021 और अभी ये तारीख फिक्स हो गई 24 तारीख यानी एक दिन पहले जागरण होता है और हम आपके आंगन में आप हमारे आंगन में ये आज रिश्ता बन गया। हमारे पूरे नवयुक्त मंडल अध्यक्ष श्रीमान जेतू सिंह जी राजपुरी साहब आप आगे पधारे और आपका स्वागत करेंगे हमारे अरविंद सिंह सर गिसु सिंह जी साहब से निवेदन आगे पधारे आपको माला पहनाने के लिए मैं निवेदन करूं। नारायण सिंह जी के पुत्र रुपेश रुपेश मंच पर आए और साफा बंधन के लिए महावेश रुपेश क्या बात है स्वागत है पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से क्या बात है। इतनी बात सुनी अजमल जी सरवरिया में कूद पड़िया चार पूजा धारण बाबा दर्शन दीना आए जी दुनिया माने मूसा भूले एक टबर रे कारणे। आइए अगली स्वागत की कड़ी में भाई जेके साहू पधारे पधार आप ब्राह्मण देवता हो और ब्राह्मण देवता की टेमरा काड़ो आशीर्वाद दे राजा हरिचंद ने ठेठ कलवो जी रटे संगत करनी पड़ी कौम खंडो पड़ी पधार और मारवाड़ी भाषा में के भूको बोम नार बरोबर वैसा देवता ने देवता जी हाँ रुपेश आयो मैं कुलदीप से निवेदन करना चाहूंगा जय सिंह जी के पुत्र कुलदीप मंच पर आए पधारो जितु और माणार वास्ते
भीम सिंह जी के सुपुत्र विजय सिंह मंच पर आए। ये आने वाली चौथी पिंडी है बिजू भाव। क्या बात है, जीतो पधारो सर। कुलदीप आओ, कुलदीप शैपो करो ऊपर। और लगभग लगभग एक एक भाईरा परिवार सब आई गया। कोई जस रुपेश नहीं, कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ। अब मैं निवेदन करूँ कंचन वैष्णव मंच पर आए और कंचन वैष्णव मंच पर आए आगे आए और पूरे राजगुरु जो बिटिया है सभी की ओर से मैं सुमन राजपुरी से निवेदन, राजगुरु सुमन आए और इनको जो है साल उड़ाकर स्वागत करें। और कीर्ति, कीर्ति से निवेदन है उन्हें माला पहनाए मंच पर आए। सुमन आओ, कोई रुपेश नींद लेना आएगो? अच्छा बारे पौनी व्यवस्था कर दिया तो कोई बात नहीं है? आओ अच्छा, कीर्ति आ गई, कीर्ति रोम भाई वाली कोई बात खाते आओ। राम सिंह जी की सुपुत्री कीर्ति है। चलो ठीक, चलो निराली नृत्यांगना मंच पर आए, आपको साल उड़ाकर डूंगर सिंह जी की सुपुत्री दम्मू कंवर जो एलएलबी की तैयारी कर रही है, मैं निवेदन मंच पर आए दम्मू कंवर। और माला के लिए कृष्णा राजद्रोही डॉटर ऑफ जय श्री पधारो सर। आइए, अरे लाचा तो आई मारी सुगना क्यों नहीं आई, भोनुड़ा ने लारे कया छोड़ा जियो, खमा खमा खमारे कावर आज मालरा। आओ बेटा आओ, कोई भी बुला यार, रीना रीना आ जाओ, रीना और सुनीत आ जाओ बेटा। कैसा गायक अनोने भी जरूरी है मनसा, धीरे 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 इनको भी आने वाला समय बहुत कुछ बदलाव लाने वाला है। सूरत में एक राजपुरोहित महिला मंडल मिलकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम संजोया साहब, जिसमें मन संचालक भी जो है अपने समाज की बिटिया ने एक से बढ़कर एक नृत्य कार्यक्रम और समाज सुधारक उन्होंने अपनी बात रखी। आइए अब मैं निवेदन करूं
भवरजी राव पधारे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। भवरजी राव एक मिनट सेल्फी ले आओ, सेल्फी में रस है। एक बार सभी कलाकारों का तालियां बजाकर बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो चार भुजानाथ की। हमारे बीच में राधे श्याम भाट कुछ पलों में आ रहे हैं, कुछ उनका भी कार्यक्रम था, वो बोला कार्यक्रम में पूर्ण आहुति देकर आ रहा हूँ। तो आइए भवरजी राव, मैं निवेदन करूं अमर सिंह जी साहब भी बहुत बढ़िया भजन गावे, ढोलक बजावे, चुटकुला प्रस्तुत करे, और जब तक आरती नहीं हुए जब तक अमर सिंह जी आप स्थान नहीं छोड़े। मैं आपको बॉडी को प्रणाम करता हूँ, आपरा फूल ने प्रणाम करूं, आपरा व्यक्तिगत ने प्रणाम करूं। आइए भाई भवरजी भवरजी राव से निवेदन है, अब थोड़ा कार्यक्रम ज्यों हैं जो गांव रे गोरवे सोपो आवे साके कतरो ऊंचा जा, तो हमें लगभग 12 बज चुके हैं। अब उसी हिसाब से आप बड़े ही चटकदार भक्ति में आप खुद रंग कर सभी को भक्ति में रंगाए, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा चाहूंगा। धन्यवाद। बोलो चार भुजानाथ की, कृष्ण बलदेव की, बोलो कृष्ण बलदेव की जय, बोलो चार भुजानाथ की जय। मुरली जवाले सावरा तोरी मुरली नेक बजा, ई मुरली में मारो मन बसियो प्रभु एक बेरी ऊंट बजा। अरे कनक कंकरी परी नैन में नैन हुए बेचे, उन नैनन को चैन कहा, अरे जो रहे नैन में अरे थारो सोहना जैसो मुखड़ो थारू रूप चांदी रो टुकड़ो, थारू सोना जैसो मुखड़ो थारू रूप चांदी रो टुकड़ो। मारा ओ मारा सावरा हरी मारे काली के पति, ओ मारा मोहना रे सुरत हरी मारे काली के पति। सोना जैसे मुखड़ो, थारू मुखड़ो चांदी रो टुकड़ो,
जीवो हरी मरे काली जय बसे ओ मारा सांविदा हरी मारे काली जय बसे
बोलो कृष्ण बलदेव की मैं भुभू जी जो हनुमान जी बाबू जी भुभू जी है श्री प्रेमाराम जी सीरवी आपसे निवेदन है आप हनुमान जी महाराज के उपासक है और कई भक्तों के दुख दूर किए हैं इमलियावास से पधारे और आपके ही भुभू जी स्टाफ श्री भवानी सिंह जी नौ से निवेदन है मंच पर पधारे और हमारे भोपा की जो पीढ़ी है अरविंद सिंह कान सिंह जी के सुपुत्र है आपसे निवेदन अरविंद सिंह मंच पर पधारे अरविंद सिंह पुत्र कान सिंह पधारो सर ये अपने क्षेत्र में पधारिया आप नौक ठिकाना भी राजो आप भी जो है पूर्व जी या भोपो जी हो और कई इन कलयुग में सजनों जो अधोगति जावे फोन की करो अरविंद सिंह जटे कटे वो जल्दी जल्दी आओ
अरविंद सिंह मेरे भतीज अरविंद सिंह आप ही तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सेवक ऐसे आराध्य देव को जिन्होंने अपने बिजनेस को भी छोड़ दिया था। बालाजी की ऐसी कृपा रही इनके ऊपर जो हर मंगलवार दिन इमलियावास आप विराजे और गादी माते और कई जो है अनगिनत दुख भक्तोरा दूर करे। अरे लाल लंगोटो ने हाथ में घोटो थाने सिमरा पवन कुमार बजरंग बालाजी थाने सिमरा पवन कुमार बजरंग बालाजी थाने सिमरा पवन कुमार बजरंग पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो कृष्ण बलदेव की। ब्रेक डांस आयो साहब ब्रेक डांस चैतन जी ब्रेक डांस करिए हनुमान जी चढ़ाई करिए। बोलो मीरा के श्याम की। अरे भाकरी चढ़किल की करी अरे ग्वाले दिए बुलाए पानी भरे पीणी हारिया प्रभु जारी गागर दे फोड़ा राजगुरु चौथी पिंडी नवयुग मंडल सब आ जाए और YouTube के राजस्थानी मरुधरा फिल्म में वीडियो में कैद बना है हमने और खूब नाचो खूब गाओ। नवयुग मंडल सब आ गया है और नृत्य करे। आइए भाई भवर जी और कंचन मुरली जवाले सावरा मारे सामो दे नेड़ा माय बसाय लूं खाने जू का जल्द जीरे तारी धरती माता ने बालो पेरू में गागिरो धरती माता ने बालो पेरू में गागिरो अमर कुंदड़ी ओ लो मजल कुंदड़ी ओ लो संतों ने भेड़ी जय जी।
हरि नव कोणी नाग मारे चोटियां बजाऊं, 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 हरि जग मारो माथो गोदाऊं, हरि जग मारो माथो गोदाऊं, मैं संसार भेड़ी लाऊं, हरि संसार भेड़ी लाऊं, अरे
थारे दोई कर जोड़ मेरा भाई बोले दोई कर जोड़ मेरा भाई बोले रविदास शरण मेरा भाई बोले हेलो हमारे इस प्रोहितों की ढाणी शायद हेमंत जी प्रथम बार बता रहे हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है। और राजगुरु परिवार की ओर से ये चार भुजा जीर्णोद्वार प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व संध्या पर आप जो पधार कर और मारवाड़ पाली जिला ओबीसी युवा मोर्चा के आप प्रेसिडेंट भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी अग्रणी, जहाँ कहीं भी कार्यक्रम होते हैं तो आपकी अग्रणी भूमिका रहती है और उस कार्यक्रम में पधार कर हमें अनुग्रहित करते हैं। मैं आदरणीय श्रीमान हेमंत जी श्री साथ में रमेश जी जी साहब पधारे हैं, आपसे दोनों से निवेदन है, सबसे पहले हेमंत जी साहब के कि आप मंच पर पधारे, फूल लारे पौकड़ी सर अतिथि देवो भव। और मैं साफा बंधन के लिए निवेदन करूँ, हमारे खारची चौताड़ा ये 22 गांव आमंत्रित है सर, जिसमें हमारे खजांची श्री कुमार सिंह जी साहब से निवेदन आप मंच पर पधारे और हेमंत जी को साफा सर। और माड़ार वास्ते निवेदन करूँ, हमारे दुदोड़ जो 50 घर है भाईपा लगभग अटे विराजमान है सज्जन सिंह जी श्याम सिंह जी के सुपुत्र से निवेदन आप इन्हें माला पहना कर स्वागत करें। ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष श्रीमान हेमंत जी चौधरी का राजगुरु परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। और मेरे अजीज मित्र जिन्होंने मुझे लांबिया में प्रथम बार बुलाया और वहां बुलाने के भक्ति संध्या भी हूँ, गुलाराम जी जाऊं सा लेकिन किसी प्रैक्टिकल घर में कार्यक्रम में एक परिवार की तरह किया और वहां धरती से मुझे खूब आशीर्वाद मिला। हमारे रमेश जी सीरी से निवेदन है, आप ही हमारे दूत बनकर आप साथ में रहते हैं। और जब मंजी साहब ने मैंने कहा कि मेरे ढोलक प्लेयर है इनके जो है एक आपकी तरफ से 15-17 हो जाए, तो आपने तुरंत हाथ भरकर एक दिन दिनेश को पत्र आशियाना बनाने में बहुत अग्रणी भूमिका रही। मैं निवेदन करूं श्री रमेश सिरवी से निवेदन आप मंच पर पधारें और आपका साफा बंधन के लिए मैं निवेदन करूं। हाँ कौन श्रीमान जगदीश सिंह जी जो हमारे व्यवसाय है मंच पर पधारे, आप माला पहना कर स्वागत करें। और श्री गोर्धन सिंह जी साबू निवेदन दाता श्री जिन्होंने मेरे पिता के बताए हुए मार्गदर्शन पर हमें खूब आशीर्वाद दे रहे हैं देते रहेंगे, पधारो दाता। जगदीश सिंह जी एडवोकेट, ये जो जगदीश सिंह जी सिंहला है आप आधी रात को भी फोन करो, आप पाली हॉस्पिटल संबंधित कोई भी कार्य हो ये तुरंत वहां पहुंचते हैं और कई समाज बड़े बड़े मंचों पर आप सम्मानित हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
आज धराऊ धूंधलो ने मोटी छाटारो मेह बीजी बाग पधार जो जद जांडूली नेह इनी नेहरा भाव प्राप्ता थका मैं श्रीमान हिमंजी साबु निवेदन संक्षिप्त रूप में हमें इस राजगुरु परिवार आप अतिथि बनकर आए हैं और हमें आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द आपके हृदय के उद्गार हमें लाभावित करावे ऐसी में एक बार तालियां बजाकर श्री हिमंजी श्री साहब बोले चार भुजा नाथ की आज पुरुतो की ढाणी में चार भुजा मंदिर के जीर्णोद्वार के अवसर पर यहाँ पधारे सभी मेहमानों का मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन एंड प्रणाम। भाई सिद्धांत सिंह जी बहुत बड़े कलाकार है, बहुत बड़े मंच उद्घोषक है, तो इनको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ समस्त इन्होंने जो आज यहाँ आप इनके परिवार ने भाइयों ने मिलकर के एक दो भगवान का चार भुजा मंदिर का जीर्णोद्वार किया है वो बहुत ही खुशी की बात है। धर्म हमारे अति महत्वपूर्ण है, धर्म से हम जुड़े हुए हैं और धर्म से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। हम सनातन धर्म को मानते हैं तो सनातन धर्म में चार भुजा का मंदिर बनाना, देवी देवताओं की पूजा करना ये हमारे लिए बहुत शुभ है। अपन जितना धर्म का प्रचार करेंगे, जितने देवी देवताओं की पूजा करेंगे, अपने उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। मैं तो चार भुजा नाथ से ये प्रार्थना करता हूँ क्या समस्त इस क्षेत्र की जनता को खुशहाली दे, खूब धन दे, खूब दौलत दे और सबको बहुत सुख दे। मैं इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, ये हम सब आपके सेवक है और हमारी रक्षा करना आपका काम है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही कर्ण प्रिय भागवत भगवत पुराण के जो आपने हृदय के उद्गार शब्द एक एक हवा ला करो। आपने कहा था कि सभी को सुख दे, सुखी रहे संसार, दुखिया रहे ना कोई, अन्न धन भरपूर रहे। और इसी बात को लेकर आपने घाघर में सागर भरकर एक समय की नजाकत को देखते हुए आप जो अपने अमूल्य समय निकालकर यहाँ जो राजगुरु परिवार और समस्त समाज के बीच में जो पधार कर इस आपने मंच की ऊंचाई दी है, हम आपके बहुत बहुत आभारी है, बहुत बहुत आभारी है। आइए एक बार फिर मैं लक्ष्मण जी राव साहब से निवेदन, पधारे और ये शब्दों से कट जाएगी गीतों की बोचार सुनो, भजनों की बोचार सुनो। मोर थे भी बोल चुके, अब एक अलग अंदाज में एक बहुत बड़े कथावाचक स्वर्गीय राम निवास जी राव, कई आने वाली जो पीढ़ी है उन्होंने नहीं देखा नहीं सुना होगा, लेकिन जब वो मंच पर गाते थे सजनों 25-40 किलोमीटर नागौर की धन्य धरा, बीकानेर के उस धोरो धरती के आंचल में लोग ऊंट गाड़ी माथे बैठ और राम निवास राव रा भजन सुनता और राजा मोरध्वज जनटेमरा वे कथा गावता था। व्योनरी आवाज हुबहुब आप गावे। राम निवास जी राव इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके गाए हुए भजन आज भी हम सुनते हैं। नाम रो दीवानों कोई क्या करे रे, जाने दे क्या भूत काल जम डरे। ऐसे ऐसे भजनों को जीवन की सार्थकता में अनेकता का रंग भरा, ऐसे भजन विवेकी स्वर्गीय राम निवास जी राव को मंच के माध्यम से उन परमपिता परमेश्वर की सत्ता में ले, आज वो हमारे बीच में नहीं है। जन्म है, एक दिन सबको जाना है। आना और जाने के बीच में जो मनुष्य सुकृत काम करता है वो हमेशा हजारों हजारों साल के लिए अमर हो जाते हैं। किसी कलम ने कहा कि कलाकार भजन विवेकी फिल्म कलाकार मरता नहीं है, उसे जिंदा दफनाया जाता है। ये पीड़ा किसकी है? एक कलम के धनी की। कलाकार कभी मरता नहीं, उसे जिंदा दफनाया जाता है। शमशान घाट में जाके उसकी वोनी आगी लो तो तालियों के इंतजार में पाया जाता है। कब्र तो कह नहीं सकता साहब, बस मैंने कवि ने कहा कि आप कब्र कैसे कहते, कब्र तो उन लोगों की है। हमारे वोनी आगी लो, वोनी बोलते समझ गए बोला अड्डी पॉकेट में रहू सा, तो उसकी वोनी आगी लो तो वो तालियों के इंतजार में पाया जाता है। ऐसा ही आपने आशीर्वाद दिया। आइए श्री लक्ष्मण जी राव सारण जो हमारे प्रेम सिंह जी भाई साहब, प्रेम सिंह जी भाई साहब जब हम पुणे से कलाकार 4-5 आए थे साहब,
और राजस्थान की कल्चर का हमें दर्शन करवाए और घी मंगरी माते हम उन्हें घुलटा खवा दिया। घी मंगरी माते मोहे घुटा खा दौड़ा, तो वही घटा आपके बीच में पेश कर रहे हैं। आपस में मिलाप करने वाला प्रेम सिंह जी साहब है। आई रात मेरी नहीं आई, बोलो श्री क्षेत्रेश्वर महाराज की, बोलो चार भुजनाथ की जय हो। अरे केवे राम निवास मीरा राधा दोदासी, एक प्रभु के पास एक मेरे तवासी, दोनों की यादीनता और समझे संत सुजान, एक ही हारो हार है तू एक प्रभु रो प्राण, प्रभु जी ए एक प्रभु रो प्राण। एक प्रभु रो प्राण हरि दर्शन की प्यासी, अरे के मेरा निवास मीरा राधा दोदासी, सवरा ए मीरा राधा दोदासी। देखो भगवान कृष्ण और राधा जी के बीच में थोड़ा कोई वार्तालाप है केवे। हरे सावन महीनो ये राधा आवियो, सावन महीनो ये राधा मुसलमान
क्या बात है भैया,